अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रुखसाज किचन। आज हम देखेंगे क्रिस्पी और टेस्टी लच्छा पराठा या फिर वर्की पराठा कैसे बनाते हैं। ये पराठे आप कोई भी वेज या नॉन वेज करी, कबाब या फिर कोई भी फ्राई आइटम्स के साथ या फिर सिर्फ इसको ऐसे ही खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोसीजर। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े बर्तन में 2 कप मैदा डाला है और फिर इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच नमक, फिर इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी या फिर तेल। उसके बाद हाथ से मैदे को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको सेमी सॉफ्ट डो में गूंद लेंगे। तो डो तैयार हो चुका है। अब 1 से 2 मिनट आटे को अच्छे से हम हाथ से गूंद लेंगे। तो 1 से 2 मिनट गूंदने के बाद अब हम 1 चम्मच घी डाल देंगे और घी को हर तरफ से अच्छे से रब कर लेंगे आटे पे से। अब हम इसको ढक्कन लगाएंगे और 15 मिनट भिगने के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट हो चुके, फिर से हम 1 मिनट के लिए आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। तो 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मैदा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके हिस्से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़का है, उसके बाद इस तरह से छुरी से या फिर हाथ से आप इसके जितने आप रोटी बनाते हैं उसके हिसाब से आप इसके पेड़े बनाइए। तो यहाँ पर मैंने 6 हिस्से बनाए हैं इसके। अब हम एक एक पेड़ा लेंगे और इसको बेलते जाएंगे। तो थोड़ा ड्राई मैदा डालते हुए जैसे हम रेगुलर रोटी बेलते हैं उसी तरह से इसको हम बेल लेंगे। तो चलिए रोटी बन चुकी है। अब हम इस पे से 1 चम्मच घी डालेंगे। तो यहाँ पर गाढ़ा वाला घी मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा ये वर्की और ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो घी हर तरफ से अच्छे से फैला लेंगे। उसके बाद ड्राई मैदा लेंगे और उसको भी हर तरफ से फैला देंगे। तो मैदे को भी हर तरफ से फैलाने के बाद अब हम एक छुरी लेंगे। उसके बाद रोटी के इस तरह से पतले स्ट्रिप्स काटते जाएंगे लंबे लंबे। तो जितने आप पतले स्ट्रिप्स काटेंगे उतने ही आपके लेयर्स बनेंगे पराठे में। तो छुरी से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो यहाँ पर मैंने पिज्ज़ा कटर इस्तेमाल किया है। तो देखिए ये बहुत आसानी से इससे कट रहा है। अगर आपके पास है तो आप भी वही यूज़ कीजिए। तो चलिए पूरे स्ट्रिप्स मैंने काट लिया है। अब हम इस तरह से आटे को लपेटते जाएंगे। तो इस तरह से एक लंबी पट्टी बनेगी। अब हम इसको इस तरह से खींचते हुए गोल गोल घुमाते हुए इसको हम लपेटते जाएंगे और किनारा इस तरह से नीचे दबा देंगे। तो देखिए पेड़ा बन चुका है हमारा। तो और एक मेथड का भी मैं पराठा बनाना बताती हूँ। तो जैसे हमने रोटी बेला है और घी और मैदा लगा लिया है, उसके बाद इस तरह से हम इसको मोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से पूरे मोड़ने के बाद इस तरह से खींचते हुए हम गोल गोल इसको लपेटते जाएंगे। तो देखिए लास्ट तक हम लपेटते जाएंगे, उसके बाद नीचे इस तरह से हम दबा देंगे। तो देखिए दूसरा मेथड भी तैयार है। तो सारे मैंने पेड़े बना लिए हैं, अब हम इसको बेलेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ड्राई मैदा डाला है, उसके बाद हल्का सा दबाते हुए इसको हमें बेलना है। ज़्यादा इसको प्रेशर नहीं लगाना है। तो जितनी रोटी की साइज होती है उसी के हिसाब से हम इसको बेल लेंगे। तो देखिए बन गई रोटी। अब हम इसको सेकेंगे। देखिए कितने अच्छे और गोल गोल सर्कल्स बने हैं। तो तवा गर्म होने के बाद इस पे हम पराठा डालेंगे और एक तरफ थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको रखेंगे। और जैसे ही हल्का कलर चेंज हो जाए तब हम पलटा लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा दबाते हुए हम मीडियम फ्लेम पर इसको सेकते जाएंगे। तो थोड़ा सेकने के बाद हम 1 चम्मच ऊपर से इस तरह से घी डालेंगे और पलटाने के बाद फिर से हम दूसरे तरफ से भी घी डाल देंगे। और हर तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम सेक लेंगे। तो दोनों तरफ से अच्छे से पराठे को मैंने सेक लिया है। तो इसी तरह से हम बाकी के पराठे भी सेक लेंगे। तो सारे पराठे मैंने सेक लिए हैं। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद यानी अभी भी ये गर्म रहते हुए ही इस तरह से हम दोनों हाथों से इस तरह से मारते जाएंगे ताकि इसके लेयर्स खुल जाए। तो
तो देखिए गर्मा गर्म लच्छा पराठा बनकर तैयार हो चुका है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राइट साइड वाला बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग रुखसास किचन।